ऑफ पॉइंट हाँ लोकस, सेट ऑफ पॉइंट्स को हाँ कहते हैं लोकस, वो कौन सा सेट ऑफ पॉइंट सैटिस्फाइंग ज्योमेट्रिकल कंडीशन, सैटिस्फाइंग जो सेटिस्फाई करता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए उसमें, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ज्योमेट्रिकल कंडीशन किसमें मापी मेजर की जाती है, डिस्टेंसेस में, ज्योमेट्री के सभी कंडीशन डिस्टेंसेस में मेजर किए जाते हैं। अगर डिस्टेंस में मेजर किया जाते तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, समझो मेरे पास A1x1b1 है, Bx2y2 है, तो डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ए बी, हेलो सभी को मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ए बी, मुझे लगता है ऐसा है, x2 - x1² + y2 - y1² ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज फाउंड बाई यूजिंग द फॉर्मूला रूट ऑफ x2 - x1² + y2 - y1² अब सिर्फ किसी, यस डू यू नो रूट ऑफ, यस x2 - x1² + y2 - y1² इज द वैल्यू ऑफ, हाँ ये वैल्यू है आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अलग अलग तरह से लिखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हुआ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको लिखना है, सेट ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं लोकस, जो सेट ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई, और ज्योमेट्रिकल कंडीशन ज्यादातर किस में आते हैं, डिस्टेंस में दिए रहते हैं, डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस के लिए तुरंत आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, ये हुआ डिस्टेंस। अब ये दोनों ए और बी अलग अलग पॉइंट है, अब हम डिस्टेंस कैसे देखेंगे, और डिस्टेंसेस के बारे में हम देख लेंगे, व्हाट आर द डिस्टेंसेस, समझे मेरे पास एक पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट है x, y और मेरे पास है ओरिजिन 0, 0, हमने इसको x1, y1 बोल दिया, या इसे x1, y1 बोल दिया, इसे x2, y2 बोल दिया, तो मेरा डिस्टेंस ओपी क्या होगा, रूट ऑफ x2 - x1² फॉर्मूला वही ना, y2 - y1² तो हमारा x2 क्या है, x2 हमारा x है, y2 क्या है हमारा, x2 हमारा x है, x1 हमारा 0 है, y2 हमारा y है और 0 है, तो इससे हमें एक फॉर्मूला x - 0 मतलब x² + y² और उसका स्क्वायर रूट, इसे कहते हैं डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से इस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि उसमें x1 y1 जीरो हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट उसी पॉइंट के एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट करके डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग द लोकस, लोकस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत बेसिक है, क्योंकि लोकस क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट, और जब पॉइंट होते हैं तो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस रहता है ना, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में हर बार डिस्टेंस रहता है कुछ ना कुछ, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, बट देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, बट इफ यू नो अगर हमें उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दूसरा कोई कुछ भी तरीका नहीं है डिस्टेंस फाइंड करने का दोनों पॉइंट के बीच में, एनी टू पॉइंट द डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 - x1² + y2 - y1² अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला दो तरह से, अब हम आपको सेक्शन फॉर्मूला बता देते हैं, ये आपके पुराने रिवीजन है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, दो तरह के सेक्शन फॉर्मूले होते हैं, अभी हम बताएंगे, एक पहला इंटरनल डिवीजन, आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है कुछ भी नहीं सोचना है, इंटरनल डिवीजन समझो मेरे पास ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ये मालूम है, और दूसरा उसके भी कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, वी नो दिस, और आपको बोला एक बीच में एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, आप बीच में कैसे फाइंड करोगे, आप क्या कोई बताएगा, विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, क्या आप फाइंड कर सकते कोऑर्डिनेट आपका, नहीं, आपके लिए कुछ कंडीशन दिए देने चाहिए, क्या कंडीशन, समझो ये ए आर का डिस्टेंस एम से रिलेटेड है और आर वी का डिस्टेंस एन से रिलेटेड, मतलब अगर आपके पास ए आर है और आप उसको आर बी से डिवाइड करते हैं और ये डिवीजन आपने कैलकुलेट किया और वो ऐसा कुछ आया लास्ट में,
तो उसे कहते हैं m इज टू n। तो आपको क्या करना है, m को इधर के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है और n को इधर के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में m प्लस n डिवाइड करना है। कैसे, m इकड़ का इकड़े, इकड़ का इकड़े, तर r के कोऑर्डिनेट सांगतो, r विल हैव m इंटू इकड़े कोण है x2 प्लस n इंटू इकड़े कोण है x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, m y 2 n y 1 अपॉन m प्लस n। सो दिस इज द पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। हेलो दिद्दी है क्या, हेलो हाउ रिटर्न दिस फॉर्मूला। आपको एक्स कोऑर्डिनेट आया था, आप वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। एक इंटरनल है, मैं अब इसको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करता हूँ। हैव रिटर्न यस और नो, हेलो एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम। आपको कुछ नहीं करना है, हम बराबर बाद में बता देते हैं, या आपको बाद में नोटबुक को रीड करना है। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल बनाते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, यस ओके, एक्सटर्नल में एक तो वर्ड बदलता है, इंटरनल का एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन। व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन, मेरे पास पॉइंट ए है एक्स वन वाई वन और मेरे पास पॉइंट बी है एक्स टू वाई टू और मेरा पॉइंट आर दूर है ऐसा किसी जगह बाहर है। एक्सटर्नल मतलब सेगमेंट के ए बी के बाहर, बट लाइन ए बी के ऊपर है, बट रेशो यही है, रेशो सेम है। मतलब आपने यहाँ तक आप ले गए वो यम आया और यहाँ तक आप गए यन आया, यस ये यम आया ये यन आया, तो m is to n डिस्टेंस कैलकुलेट करके डिवीजन करके। तो देखिए फॉर्मूला से ये डायग्राम को बार बार देखिए, पहले इसको दोनों को दोनों एक पोस्टर पे बना पे घर पे लग दो और बार बार देखिए। तो मेरा r के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू मी हो गए mx2 माइनस nx1 m माइनस 1 my2 माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, इसमें माइनस आता है बस, नथिंग इज देयर, देयर विल बी ओनली माइनस साइन। हाँ यस अपोजिट, क्योंकि इंटरनल में पॉइंट बीच में आता है आर बी के, एक्सटर्नल में पॉइंट आउटसाइड आता है सेगमेंट ए बी। अब रेशियो को देखिए, ए टू आर और आर टू बी फिर से पीछे आ गए, इसलिए नेगेटिव साइन होता है, ए टू आर आर टू बी।
अब एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, अभी हम जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट जो रहता है ना वो बीचों बीच रहता है, तीसरा सेक्शन फॉर्मूला का तीसरा पार्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है, देखो मेरे पास पॉइंट ए है, इट हैज कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड आई हैव द अनदर पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स टू। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ना तो ये दोनों के बीच में एक ही पॉइंट रहता है, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट इज मिड पॉइंट। आर अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट अगर होगा तो ए आर को अब आर बी से दोनों इक्वल हो गए ना, ए आर आर बी इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल होते हैं ए आर एंड आर बी इक्वल तो उनका रेशियो वन इज टू वन आता है ना, वन इज टू वन, एम के जगह वन आया और एन के जगह वन आया ना, सेम हो गए ना वो। तो हमारा ये वन इधर जाएगा ये वन, तो आपके आर का पॉइंट, और आपको फॉर्मूला यूज करना इंटरनल क्योंकि वो बीच में आया, तो इंटरनल क्या करता है एम एक्स टू मतलब वन एक्स टू प्लस वन एक्स वन अपॉन वन प्लस वन वन वाई टू प्लस वन वाई वन अपॉन वन प्लस वन। तो ये आपका होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू लिखते समय, तो दीज आर योर कोऑर्डिनेट। एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, आपको खुद को बनाना है, खुद बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके चलो, तीन फॉर्मूले हो गए, एक हुआ इंटरनल डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नल और एक डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमारा आगे का फॉर्मूला जो है, हाँ हमने लाइन के इक्वेशन देखे ना, हेलो लाइन के इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, कोई जानता है वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, कोई जानता है एक्स इक्वल्स टू जीरो, और व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, चलो बोलिए कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई इक्वल्स टू जीरो, यस यू आर राइट। मतलब क्या होता है, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस रहता है ना आपका, और इधर एक्स एक्सिस रहता है, तो इसके ऊपर कौन सा भी पॉइंट लो उसका कोऑर्डिनेट एक्स तो जीरो रहता है, मतलब एक्स रहता है वाई जीरो रहता है, इधर कौन सा पॉइंट लिए जीरो वाई, ये एक्स पॉजिटिव रहता है, ये वाई पॉजिटिव रहता है, इधर का एक्स जो है वो निगेटिव रहता है, इधर का वाई जो है वो निगेटिव रहता है, यह इसकी सिचुएशन है एक्सिस की। एक्सिस भी ड्रॉ करो, उसका एप्लीकेशन देखो कैसे रहता है। अब ये नोटबुक आपकी खुद बात पढ़ो,
नोटबुक में सब जगह इकट्ठा था, वीडियो में कुछ नहीं, एक वीडियो अलग, दूसरा वीडियो अलग, तीसरा वीडियो अलग। अब एक चीज को दूसरे किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नोटबुक का 100 नंबर का पेज अगर हमारा बड़ा नोटबुक है, या 7 नंबर का पेज को हम 77 नंबर पेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और 77 नंबर के पेज की हमारी इंफॉर्मेशन 10वें वीडियो में, और 7वें पेज की वीडियो जो है वो हमारे पहले वीडियो में, पहला वीडियो और 10वां वीडियो हम साथ में देख सकते क्या? नहीं, इसलिए हम बहुत बार बोल रहे हैं नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो, आज से शुरू करो, सब नोटबुक में लिखो इंफॉर्मेशन को, और वो खुद कंपेयर करो। ठीक है, अब मुझे आपको क्या बताना है कि एक्स एक्सिस 2 पॉइंट को कौन से रेशो में डिवाइड करता है। समझे, मेरे पास ऐसा एक्स और वाई एक्सिस है, और ये 2 पॉइंट है ऐसे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये कुछ भी हो, निगेटिव, इसको आपको ये देखना नहीं। तो ये जो पॉइंट है आपका x0, तो ये जो है AP, मतलब ये डिस्टेंस AP अपॉन PB, ये डिस्टेंस को कहते हैं रेशो, और वो रेशो आपका जो रहता है वो रहता है, आपको वो रेशो फाइंड करना है। वो रेशो रहता है -y1 अपॉन y2, मतलब x एक्सिस डिवाइड, इससे रिलेशन मिलता है। आपको याद रखना है, ये किसी भी बुक में नहीं है, x एक्सिस डिवाइड AB इन द रेशो। रेशो क्या है? -y1 अपॉन y2। डायरेक्ट एग्जाम में आपको डायरेक्ट -y1 अपॉन y2 और उसको निगेटिव करना है, हो गए रेशो। पहले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में डिवाइड करके उसका निगेशन लेना है, वो हो जाता है रेशो। एक्स एक्सिस AB को इस तरह से डिवाइड करेगा। सुना, आप वाई एक्सिस कैसे डिवाइड करेगा आप गेस कर सकते हो। अगर मैंने AB दूसरा AB पॉइंट लिया, समझे मेरे पास इस तरह का AB है, समझे मेरा ये पॉइंट है ये x1 y1, और ये पॉइंट है मेरा x2 y2, और ये मेरा P पॉइंट है समझो 0 y। तो अब मुझे बोलिए इस केस में हाँ x1 अपॉन x2, इसे कहते लॉजिक, लॉजिकली आपको बताना है। तो AP:PB इसमें हो जाए, AP:PB इसमें हो जाएगा -x1 अपॉन x2। तो y एक्सिस डिवाइड, जब y होगा तो x कोऑर्डिनेट का रेशो, y एक्सिस डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो, द रेशो इज व्हाट? -x1 अपॉन x2। ये देखो, तो दीज आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट। तो एक्स एक्सिस मतलब -y1 अपॉन y2 में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस मतलब -x1 अपॉन x2 में डिवाइड करता है। तो हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवीजन बाय एक्स एक्सिस एंड डिवीजन बाय वाई एक्सिस, इंपॉर्टेंट थिंग्स देखे हमने। ये सब लोकस में काम आते हैं, एक्चुअल लोकस नाम का जो चैप्टर है, वी आर अंडर द हेडिंग लोकस। अब बोल रहे हैं ना कौन सा चैप्टर आपके बुक में होगा कि देख लो, कुछ नाम बुक में नहीं रहते, कंसेप्ट रहते बट बुक में नहीं रहते, छोटा कंसेप्ट रहता है बट उसके लिए एप्लीकेशन बहुत जगह है।
चौकस। लोकस में अब आपको बता देते हैं, लोकस का एक इक्वेशन बता देते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, कौन सा लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 2 3 एंड बी 4 5, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उनका लोकस फाइंड करना है। ए से भी डिस्टेंस इक्वल और बी से भी इक्वल डिस्टेंस, ऐसे जो पॉइंट है सभी का हमें फाइंड करना है लोकस। क्या आप जानते हो ऐसे लोकस को क्या कहते हैं? नाइन्थ में आपको ज्योमेट्री में था, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट को क्या कहते हैं आप? कोई है, एनीबॉडी हैज द प्रीवियस नॉलेज? दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दो पॉइंट से, दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो आपको देखना है कि कौन से पॉइंट आते हैं। मतलब ए से सेम डिस्टेंस और बी से भी डिस्टेंस सेम। क्या आप लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकली वो पॉइंट कहाँ रहते हैं? टू थ्री एंड फोर फाइव। यस बोलिए। मेरे पास ए 2 3 है और इधर मेरा बी है 4 5। तो मैंने आपको बोला, हेलो, मैंने आपको बोला कि ये जो पॉइंट है, ये जो लोकस है वो कहाँ रहता है? सिर्फ मिड पॉइंट नहीं रहता है, सिर्फ मिड पॉइंट अकेला नहीं, बहुत सारे लोग रहते, मिड पॉइंट तो एक है, उसमें से एक है मिड पॉइंट है। और कौन कौन से और भी पॉइंट है जो ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं? हाँ, बहुत सारे पॉइंट है, कौन कौन से कहाँ रहते हैं? वो एक ये तो आपको मालूम है, एक तो आया, ये तो आया, ऐसे कितने पॉइंट्स है? बहुत सारे पॉइंट्स है, एक तो है और आपको बताने, और कहाँ है? मतलब एक मिड पॉइंट है तो और कहाँ है? फिर सेगमेंट पे एक है, ए बी सेगमेंट पे एक है जो मिड पॉइंट है, बाकी कहाँ है जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे? मिड